हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। देखिए, पाम ऑयल इंपोर्ट रोज 29% इन नवंबर सितंबर से ऐसी है। इंडियाज पाम ऑयल इंपोर्ट जंप टू 29.2% टू 90.8 लाख टन इन द फर्स्ट 11 months ऑफ द ऑन गोइंग 2022-23 ऑयल ईयर कंपेयर्ड विद द ईयर अर्लियर पीरियड। तो ये ऑयल ईयर अलग होता है, ठीक है। और 29.2 मतलब मान लो 30% का ग्रोथ हो रहा है इम्पोर्ट में, बड़ी बात है। विथ आरबीडी पाल्मोलियन शिपमेंट्स राइजिंग फास्ट, पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू डोमेस्टिक रिफाइनरीज, इंडस्ट्री बॉडी SEA सेड ऑन फ्राइडे। मीन वाइल इंडियाज टोटल वेजिटेबल ऑयल इम्पोर्ट रोज टू 20% टू 156.73 लाख टन ड्यूरिंग द नवम्बर सेप्टेम्बर पीरियड, ठीक है। फ्रॉम इतना तो यहाँ पे ये इतने से एक्सपोर्ट आपका नहीं, इम्पोर्ट रोज रेज हुआ, एक्सपोर्ट नहीं इम्पोर्ट, ठीक है। इन सेप्टेम्बर हाउएवर द कंट्रीज वेजिटेबल ऑयल इम्पोर्ट विटनेस 5% डिक्लाइन, ड्रॉपिंग द 15.52 लाख टन फ्रॉम 16 टन इन द सेम पीरियड इतना प्रीवियस। ड्यूरिंग नवंबर सेप्टेम्बर इतना मुंबई बेस्ड वेंटर, ठीक है, द शेयर ऑफ पाम ऑयल इंक्रीज टू 59% एसओसी। अब देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले पाम ऑयल, ये अपना इसका इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा है। कहाँ से इसका इंपोर्ट होता है, फ्रॉम वेयर, हिंद साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया। उसके बाद वेजिटेबल ऑयल, इसका इंपोर्ट 20% बढ़ गया, ठीक है। इसके सारे इंपोर्ट तो बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ने से हमें क्या खतरा है डोमेस्टिक मार्केट को, डोमेस्टिक मार्केट में भी डिस्ट्रॉयड। यही हमारा इंडिजीनियस जो मार्केट है ये हमारा खराब होगा। तो बस सिंपल सा पाम ऑयल पता होना चाहिए कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं ये पता होना चाहिए, वेजिटेबल ऑयल पता होना चाहिए कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं पता होना चाहिए, और उसके क्या क्या रिपरकशन हमारे डोमेस्टिक मार्केट पे पड़ेंगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।